So hello students, welcome to the online lecture for design of steel structures. In today's lecture we will be studying about the design of beams, which is laterally restrained. So let's start. So first of all, we have to know that what is a beam. Beam is a horizontal member which is placed to transfer and bear load of the upper portion of the building. So here we have to know firstly that what is a laterally restrained condition. Laterally restrained condition वो condition होती है जब आपका जो compression flange है, compression flange part है, आपने पढ़ा था इससे पहले TV में, जो compression flange है that is supported, वो supported condition में है. So design of beam के लिए basically हमें कुछ steps follow करने पड़ेंगे जिसके help से हम लोग ये design कर पाएंगे. उसके लिए कुछ आपको एक गिवन डाटा होता है. गिवन डाटा में आपको टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम दिया होगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड. तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेल्फ लोड तो हमें लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी. दूसरा आपको लाइव लोड गिवन होगा, इट कैन बी UDL, जनरली ये UDL होता है. उसके अलावा अगर कोई और टाइप का लोड होगा हम उसको भी कंसिडर करेंगे. इसके अलावा व्हाट आर द टाइप ऑफ बीम्स, बीम्स आपके सिंपली सपोर्टेड है या UDL है, दो में से एक आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीम, ये डाटा आपको गिवन होगा. इसके अलावा स्टील आपको गिवन होगा, कौन सा स्टील आप इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर नहीं गिवन होगा तो आप स्टील टेबल से ले सकते हैं, उसकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन. इफेक्टिव स्पैन की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. इफेक्टिव स्पैन मतलब जिस पे आपका लोडिंग वर्क करेगा. सो द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, और सिंपली सपोर्टेड बीम्स LE, वेयर LE इज द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम, तो LE विल बी इक्वल टू L प्लस T. सो हेयर L इज द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ बीम. ये हमने अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैन और लेंथ. सो L यहाँ पर अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ बीम है, एंड T इज द थिकनेस ऑफ द बीम. फॉर कैंटीलीवर बीम, अगर बीम आपकी कैंटीलीवर है इस तरीके से, तो उस केस में जो आपका एल इफेक्टिव होगा दैट विल बी एल प्लस डी बाई टू, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ कैंटीलीवर बीम. टी आपकी लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ कैंटीलीवर बीम होगी. टी है जैसे कि हमने देखा थिकनेस ऑफ सपोर्ट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर नहीं गिवन होता यू कैन अज्यूम इट इन द रेंज ऑफ 150 to 300 mm, इस रेंज में आप इसे अज्यूम कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स. इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है. तो जैसे कि आप जानते हैं जो मैक्सिमम बेंडिंग होगी आपकी वो सेंटर पे होती है, और मैक्सिमम शेयर फोर्स आपका कॉर्नर्स पे होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम बेंडिंग और मैक्सिमम शेयर फोर्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई द डब्ल्यू वैल्यू, लोड वैल्यू, व्हाट इज द टोटल लोड दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्फ वेट फर्स्ट. सो सेल्फ वेट ऑफ बीम पर मीटर रन, और पर मीटर इज इक्वल टू टोटल लाइव लोड पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय स्पैन होल अपॉन 300. सो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आपका सेल्फ वेट दैट इज कमिंग ऑन द बीम. टोटल लोड इज UDL इंटेंसिटी प्लस सेल्फ लोड या सेल्फ वेट ऑफ बीम. तो UDL जो भी गिवन होगा आपको और सेल्फ वेट जो आपने निकाला, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको टोटल लोड दैट इज W मिल जाएगा. फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर उसमें UDL लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज नोटेड बाय कैपिटल M, इट इज कैलकुलेटेड बाय डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8. इसको हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 से निकालते हैं. एंड बी यहाँ पर मैक्सिमम शेयर फोर्स है, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय डब्ल्यू एल बाय 2. सो ये सिंपली सपोर्टेड के लिए है, बहुत जनरल केस है. इसके अलावा अगर इफ द बीम इज कैंटीलीवर टाइप, और कैंटीलीवर बीम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2, एंड द मैक्सिमम शेयर फोर्स
इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। कैंटिलीवर के लिए आपका जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, और फॉर सिंपली सपोर्टेड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज फ्रॉम दिस फार्मूला। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है ये, आपने पढ़ा भी अपने मैकेनिक्स वाले पार्ट में। सो वेयर एल इज इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम, जो मैंने अभी निकाला है तो एल ई से भी दिखा सकते हैं आप इसे, एंड डब्ल्यू इज द लोड इंटेंसिटी विच यू हैव कैलकुलेटेड अबव। सो इफ स्टील इज नॉट गिवन, अगर आपको स्टील नहीं गिवन है तो स्टील टेबल से आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा जो हम स्टील को जब भी दिखाते हैं हम दिखाते हैं यहाँ पर किस टाइप का स्टील आया, एस एम बी डैश एट द रेट डैश न्यूटन पर मीटर। सो ये जो एट द रेट के बाद जो वैल्यू होती है ये वाली, ये आपकी सेल्फ वेट होती है। तो अगर आपको स्टील इसमें गिवन है तो आप डायरेक्टली स्टील टेबल से उसकी सेल्फ वेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपको सेक्शन गिवन है तो। इसके अलावा स्टेप थ्री, वी हैव टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस बेसिकली आपका डिनोट करते हैं हम लोग जेड से, सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एम अपॉन सिग्मा बी टी और इट इज़ इक्वल टू एम अपॉन सिग्मा बी सी। सो जो सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी है वो दोनों ही इक्वल होता है, सो सिग्मा बी टी इज इक्वल टू सिग्मा बी सी एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई 0.66 एफ वाई, वेयर एफ वाई इज द ग्रेड ऑफ स्टील, सो एंड एम इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सो हेयर जो सेक्शन मॉडुलस जेड होगा उसकी यूनिट आपकी होगी एम एम क्यू। ओके, यहाँ से हम पहले रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू निकालेंगे कितना हमें चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टेप फोर पे जाएंगे। स्टेप फोर में, स्टेप फोर है आपकी सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल, ये स्टील टेबल में से आपको देखना पड़ेगा। सो उसमें दो पॉइंट्स हैं, सिलेक्ट अ सूटेबल सेक्शन विच हैज द सेक्शन मॉडुलस जो हमने निकाला था अभी जेड इक्वल टू और मोर देन द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। सो अगर जो हमारा जेड निकला है हमने रिक्वायर करा है, जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी स्टील टेबल से, तो यू हैव टू चूज दैट सेक्शन हुज जेड इज, हुज जेड इज इक्वल टू और मोर देन, हुज जेड इज इक्वल टू और मोर देन द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा जिस भी सेक्शन को होगा उस सेक्शन को हम अज्यूम कर लेंगे, तो ये आप स्टील टेबल से देख सकते हैं। इसके अलावा द सेक्शन शुड बी सेलेक्टेड दैट इट सेल्फ वेट इज मिनिमम, तो सेल्फ वेट मिनिमम होगा तो जनरली इसके लिए आई एस एल बी एंड आई एस एम बी सेक्शंस आर प्रिफर्ड। तो आप जब स्टील टेबल देखेंगे तो आप इन दोनों में से कोई एक को प्रिफर कर सकते हैं, और कंडीशन आपको ये वाली चेक करनी है, जेड रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू जेड, या जेड जो हम देख रहे हैं सेक्शन का इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। ये वाला स्टेप फोर हमारा हो जाता है। इसके बाद आता है आपका स्टेप फाइव विच इज चेक फॉर शेयर, हमें देखना है कि हमारा जो सेक्शन है वो कहीं शेयर में फेल तो नहीं हो रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज शेयर स्ट्रेस विच इज नोटेड बाई टाओ वी ए कैलकुलेटेड, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाओ वी ए कैलकुलेटेड से, तो ये फॉर्मूला होता है इसका वी अपॉन बी डी। ओके, तो बी हम इसमें पहले निकाल चुके हैं, शेयर फोर्स हो गया आपका एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वी अपॉन एच टी डब्ल्यू। सो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो आप वी अपॉन बी डी से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है तो आप इससे निकाल सकते हैं, और अगर ये आपका ये आई सेक्शन है तो यहाँ पर दिखा रखा है टी डब्ल्यू इज द थिकनेस ऑफ वेब एंड एच इज द हाइट, सो ये वाला फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं फॉर आई सेक्शन। सो ये तो एवरेज शेयर स्ट्रेस हो गया जो हमने कैलकुलेट करा है। इसके अलावा परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जितना परमिट हम कर सकते हैं दैट इज नोटेड बाय टाउ वी ए इज कैलकुलेटेड बाई 0.4 एफ आई। तो हमें टाउ वी ए कैलकुलेटेड और टाउ वी ए निकल जाने के बाद हम देखेंगे कि इफ टाउ वी ए कैलकुलेटेड इज लेस देन इक्वल टू टाउ वी ए, अगर जो परमिसेबल वैल्यू है वो इक्वल या ग्रेटर है एवरेज शेयर स्ट्रेस से देन इट इज सेफ। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब सेफ है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो अदरवाइज वी विल टेक अनदर सेक्शन, तो हमें दूसरा सेक्शन लेना पड़ेगा।
आई स्टील टेबल में से दोबारा से हमें एक सेक्शन प्रिफर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द स्टेप 5। ये स्टेप आपने आरसीसी डिज़ाइन में भी पढ़ा था जब हम स्लैब का डिज़ाइन कर रहे थे। इसके अलावा लास्ट स्टेप इसका जो है दैट इज़ स्टेप 6 विच इज़ चेक फॉर डिफ्लेक्शन, कि डिफ्लेक्शन पे कहीं फेल तो नहीं हो रहा है हमारा मेम्बर। सो अगेन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL उस पर लग रहा है तो लेमडा या आप इसे डेल्टा मैक्स भी बोल सकते हैं। डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 5/384 WL^4/EI। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर UDL एंड फॉर कैंटिलीवर बीम विच इज अंडर UDL मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स इज कैलकुलेटेड बाई 1/8 WL^4/EI। इससे हम कैलकुलेट करेंगे एंड ऑल्सो परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला L/325। सो अगेन वी हैव टू चेक द कंडीशन, इफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड परमिसिबल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब जो मैक्स है ये आपका पढ़ना नहीं चाहिए किससे, परमिसिबल है। अगर ये होता है तो अगेन आप सेक्शन चेंज करेंगे और फिर इसका अगेन डिज़ाइन करेंगे। सो कंडीशन शुड फुलफिल, दीज आर द स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ बीम विच इज़ लेटर इन दिस टाइम। सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ।